मैं स्वाति सुहाने, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन कुकिंग कल्चर। आज हम बनाएंगे बहुत सारे ड्राई फ्रूट के साथ रबड़ी मलाई कुल्फी। गर्मी का मौसम है और ठंडी ठंडी मलाई कुल्फी मिल जाए तो मज़ा आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी मार्केट से भी अच्छी, हेल्दी और टेस्टी कुल्फी। सबसे पहले हम एक फैली हुई कढ़ाई में फुल क्रीम मिल्क डालकर पकाएंगे। दूध को हमें सिर्फ बॉईल नहीं करना है, बल्कि हमें इसे इतना गाढ़ा करना है कि ये एक लीटर से कम होकर हाफ लीटर से भी कम हो जाए। देखिए, दूध बॉईल हो गया है। अभी हम इसे लो फ्लेम पर रेगुलर चलाते हुए पकाएंगे। मिल्क धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। इसमें जो साइड्स में मलाई इकट्ठी हो रही है, हम उसे भी इसमें कलेक्ट करते जाएंगे। ये जो हम मलाई कलेक्ट करेंगे, इसी से हमारी कुल्फी टेस्टी और रबड़ी मलाई कुल्फी बनेगी। ये देखिए, 20 मिनट्स हो चुके हैं दूध को बॉईल होते हुए। ये काफ़ी रिड्यूस हो गया है, बट अभी हम इसे और रिड्यूस करेंगे। तो चलिए, जब तक हम ड्राई फ्रूट कुल्फी के लिए ड्राई फ्रूट रेडी कर लेते हैं। एक लीटर दूध की कुल्फी के लिए मैंने 6 टेबल स्पून मिश्री पाउडर लिया है, 2 टेबल स्पून नारियल पाउडर लिया है, 2 टेबल स्पून ड्राई फ्रूट्स पाउडर लिया है। आप इसकी जगह 2 टेबल स्पून मखाने का पाउडर भी बनाकर डाल सकते हैं। कुछ ड्राई फ्रूट्स भी लिए हैं, जैसे काजू, बादाम, पिस्ता, चिरौंजी, अखरोट। आप चाहें तो अपनी पसंद के अनुसार इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करें। सभी ड्राई फ्रूट्स को हम चॉप कर लेते हैं। हमें इन्हें एकदम बारीक भी नहीं करना है और बड़े पीसेस में कट भी नहीं करना है। मैंने कुल्फी की थिकनेस बढ़ाने के लिए 2 टेबल स्पून मिक्स ड्राई फ्रूट पाउडर ऐड किया है। आप चाहें तो इसमें एक ब्रेड ऐड कर सकते हैं, या टोस्ट ऐड कर सकते हैं, मखाने का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, सारे ड्राई फ्रूट चॉप हो गए हैं। ना ही ये एकदम बारीक हैं और ना ही इनके पीसेस बड़े हैं, तो आप इसी तरह से इन्हें चॉप करें। मिल्क रिड्यूस होकर अब हाफ हो चुका है, तो हम सारे ड्राई फ्रूट्स और मिश्री पाउडर इसमें अभी ऐड कर देंगे। इसके बाद इसे 15 से 20 मिनट और पकाएंगे। सभी ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद मिल्क हमें रेगुलर चलाते जाना है। जैसे ही मिल्क की कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक होगी, ये नीचे से लगने लगेगा। कुल्फी के लिए हम इलायची सबसे लास्ट में ऐड करेंगे। जब मिल्क ठंडा हो जाएगा, तब हम इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे। आप जब भी खीर या कुल्फी बनाएं, इलायची हमेशा लास्ट में ही ऐड करें, जब वो ठंडी हो जाए। इससे इलायची का फ्लेवर और खुशबू दोनों ही बढ़िया रहती है। लगभग 30-40 मिनट हमने दूध को पकाया है। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी है। इसे और ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये थोड़ा थिक हो जाएगा। कुल्फी में फ्लेवर चेंज करने के लिए आप इलायची की जगह अपनी पसंद का कोई एसेंस ऐड करें, तो इससे इसका फ्लेवर डिफरेंट हो जाएगा। ये देखिए, अब ये काफ़ी ठंडा हो चुका है और देखने में ही कितना यम दिख रहा है।
आप चाहें तो इसे ऐसे ही एक गिलास एंजॉय कर सकते हैं। बट अभी हमें कुल्फी बनाना है तो हम इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे। इलायची ऐड करने के बाद इसे 5 मिनट ऐसे ही रहने दें। फिर इसे आइसक्रीम मोल्ड में डालकर 8 से 10 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दें। कुल्फी को आप किसी भी शेप के मोल्ड में अपनी पसंद के अनुसार जमा सकते हैं। फाइनली रेडी है हमारी रबड़ी मलाई ड्राई फ्रूट कुल्फी। सो प्लीज ट्राई इट एंड शेयर योर एक्सपीरियंस। मार्केट जैसी टेस्टी कुल्फी घर में बनाने के लिए हमेशा फुल क्रीम मिल्क ही यूज़ करें। अगर आप गाय के दूध से कुल्फी बनाएंगे तो ये और भी टेस्टी बनेगी, क्योंकि गाय के दूध में एक अलग ही सौंधापन होता है जो कुल्फी का टेस्ट बढ़ा देता है। Like, share and subscribe my channel.